अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और खैरियत से होंगे आप सब भी, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ, प्यारों के साथ ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ नाश्ते का, संडे वाले दिन का। तो ये इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो हॉबी बिरयानी लेके आए थे छोले आलू की, जो रोज़ के रूटीन में काम होते हैं, नाश्ते का शुरू करते हैं हम रूटीन से। तो मैंने वैसे यहाँ पे आप ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो देख सकते हैं मेरी शादी की सैलगिरह थी जैसे आपको बताया था, और वीडियो शेयर करके। तो मैंने क्यों ना आपके साथ ये शेयर करते हैं क्या क्या तैयारी हुई है। तो ये सुबह के टाइम ने ये नाश्ता किया है, छोले आलू की बिरयानी, और भी लेके आए हैं, तो टेस्ट करके बताती हूँ कैसी लगी है। तो फिर एंड तक देखना, कोई जल्दी नहीं है। तो आपके साथ जो तैयारी कर रही हूँ मैं, वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देख सकते हैं यम्मी यम्मी है वैसे चावल, बहुत अच्छा टेस्ट है। और फिर शाम का टाइम हो गया, ऐसे काम करते हुए पता ही नहीं चला। तो देख सकते हैं फिर हमने ये खाए, छोटी सिस्टर आई हुई है, हमने भी छोले मसाले वाले खाए और निमको खाई है चटपटी सी, ये मसाले वाली। तो मैंने क्यों ना आपके साथ, प्यारों के साथ ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ ये भी। और इसके बाद हमने चाय पी थी, तो उसका ब्लॉग बनाना मैं सॉरी भूल गई, तो इसलिए मैंने क्यों ना ये ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ जो बनाया है प्यारों के लिए, अपनों के लिए। तो एंड तक देखिए, कोई जल्दी नहीं है तसल्ली से। और तैयारियाँ भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या कर रही हूँ मैं खाने की, और क्या कहते हैं फिर जो अपनों के साथ प्यारों के साथ मैं बर्थडे बनाऊँगी शादी की, तो वो भी आपके साथ ब्लॉग इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी शेयर करती हूँ। देख सकते हैं ये प्याज टमाटर काट रही हूँ मैं बिरयानी के लिए, तो देख सकते हैं टमाटर दिखा रही हूँ आपको, बड़े यम्मी यम्मी लग रहे हैं, लाल लाल, तो ये सलाद के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ये देख सकते हैं बिरयानी, वो बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। तो मैं ना क्यों आपका शेयर करती हूँ, ये हरा मसाला है, जब बनाई करेंगे बिरयानी का मसाला जब ऐड करूँगी। और ये गाजर मैं मैगी बना रही हूँ, तो चटपटी सी यम्मी सी, वो भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो देख सकते हैं आप, कौरमा भी बनेगा, कौरमा अलग से बनेगा चिकन का, और बिरयानी अलग से बना रही हूँ बीफ की, तो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ पता नहीं है, अभी इरादा हो रहा है कि बीफ की बिरयानी बना लेती हूँ, वो चिकन की बिरयानी बना लेती हूँ और बीफ का कोरमा, ये इरादा हो रहा है, देखो क्या होता है दोनों में से। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी मिर्चे, आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा भी रही हूँ बता भी रही हूँ। अभी मैंने सोन की चढ़ा दी है इसमें सारी चीज़ें मसाले ऐड करके, और ये भी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, फिर ये तैयार हो जाएगा, फिर इसमें बिरयानी के मसाले के पैकेट ऐड करूँगी मैं बाद में भुनाई करने के बाद। तो फिर हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, तो फिर हम एंड टाइम पे लगाएंगे, फिर गर्म रहेंगे चावल। तो देख सकते हैं ये हम तैयार कर लेंगे, 9 बजे तक हम तैयार कर लेंगे बिरयानी। तो आप देख सकते हैं, हम इसको रख देते हैं ढक के, अब ये बन जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छी बनाती हूँ बिरयानी, मैं अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसे लोग करते हैं लेकिन मैं अपने मुंह से कर रही हूँ कि अच्छी बनाती हूँ, जो बात है। ये चीज़ें ऐड भी कर रही हैं मैंने, तो आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता भी डाला है मैंने, ऐसे आपको दिख ही रहा होगा सारी चीज़ें, मैंने दिखा भी दी हैं अलग अलग करके आपको कि आप देख लें, लेकिन फिर भी मैंने बता भी दिया जो बताने का है। तो देख सकते हैं बिरयानी का पैकेट, अब हम चलते हैं और काम के साथ, मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, काम भी करी जा रही हूँ, काम बहुत है, बस मैं कह रही हूँ खैरियत से सब हो जाए। तो ये चिकन मैंने धो लिया है, देख सकते हैं आप, मैं दिखा रही हूँ अलग अलग करके इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह चिकन धोती हूँ, जो बात है लोग धोते होंगे सारे के सारे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह धोती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कि कोई चीज़ रह नहीं जाए गंद चिकन में। तो देख सकते हैं मैं चिकन का क्या बनाया, कौरमा तो बनेगा चिकन का, लेकिन मैंने ये कबोटी की तरह भी बनाई मैंने, तो घर के मसाले ऐड कर रही हूँ और ये पैकेट ऐड करूँगी थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं नमक हल्दी, इसलिए दिखा रही हूँ मैं डालते हुए अलग अलग करके, और भी सावा धनिया,
देखने आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मसाले खाना चाहें तो इतने ही ऐड करें। हमारे घर में चटपटे के मसाले चलते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो फिर इसको हम ओवन में तैयार कर लेंगे टिक्के की तरह। तो आप देख सकते हैं अब हम ओवन में रख रहे हैं, ये देखें आप, ये तैयार कर ली है मैंने ओवन में थोड़ी थोड़ी करके। बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा काम, जल्दी जल्दी हो रहा है। बस मैं चाह रही हूँ अल्लाह पाक खैरियत से करा दे, सब तैयारी है। तो देख सकते हैं ओवन में मैंने तैयार कर ली है, ये यम्मी यम्मी सी बोटी है तिक्के वाली, तो ये भी बनाई है मैंने। देख सकते हैं आप, मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ, प्यारों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ अपनी शादी की सालगिरह का, जो जो मैंने घर में तैयारियाँ की हैं। हॉबी बाहर से कह रहे थे लेकिन मिला नहीं, जब मुझे इतना कुछ आता है तो मैं घर में कर लूँगी। और कभी बार अच्छा लगता है अपनों को अपने हाथों का खिलाने का, और सब भी खुश हुए बहुत खा के। तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी यमी यमी लग रही हैं। अब हम चलते हैं खाने की तरफ और बिरयानी। तो बर्तन भी जैसे हाथ के हाथ धो धो के रख रही थी जो यूज़ होंगे। तो देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई थी यमी यमी। इसका तरीका बाद में शेयर करूँगी, मुँह से बताऊँगी, मुँह ज़बानी, क्योंकि मैंने बनाने के टाइम पे शेयर नहीं किया। अब नहीं बनाई मैंने वीडियो क्योंकि लाइट चली गई थी, जनरेटर चल नहीं रहा था तो इसलिए। तो देख सकते हैं हमारा कोरमा भी तैयार हो गया बिरयानी का, और चिकन की हम बना रहे हैं बिरयानी, और बीफ का बनाया कोरमा हमने क्योंकि कैंसिल हो गया था बीफ की बिरयानी। तो देख सकते हैं मेरे हॉबी को बीफ का कोरमा, और मेरे पुप्पा को अच्छा लगता है तो इसलिए बीफ का कोरमा बनाया था हमने। तो देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। मैं ना क्यों ना अपने साथ प्यार के साथ शेयर कर लेती हूँ। और सॉरी बिरयानी के मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, जब बिल्कुल रेडी हो गई थी तो वो जब मेहमान खा रहे थे सब, तो जब बनाई है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आराम से वफ़े वफ़े से। और भी ब्लॉग शेयर करना है आपके साथ तो आप इंतज़ार करना मेरे सारे ब्लॉग का। देख सकते हैं कितनी यम्मी यम्मी बनाई है मैंने। तो इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लें, इसके तरीका मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर लूँगी। तो आप दुआ में याद रखना मुझे, और आप मेरे साथ रहें, आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, लाइक शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।